बलिया के एक सरकारी अस्पताल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मरीजों का इलाज एक चौकीदार करता है। हैरत की बात तो यह है, इसकी जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी को भी है। पूरा मामला जिले के चांदपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक ने कहा, जैसे झोला छाप इलाज करते हैं वैसे ही वो भी इलाज कर लेता है। जो मरीज सीरियस होते हैं उन्हें सीएचसी भेज दिया जाता है। उस चौकीदार को ट्रेंड किया गया, उनके पास डॉक्टर नहीं है, जो संसाधन है उन्हीं से काम चलाएंगे। वहीं चौकीदार राशिद का कहना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, वे यहाँ पर चौकीदार के पद पर तैनात हैं। एक महीना पहले यहाँ पर डॉक्टर थे, वहीं दवा देते थे और अब जब मरीज आ जाते हैं तो जानकारी के हिसाब से दवा दे देते हैं, जरूरत पड़ी तो मरहम पट्टी भी कर देते हैं। गरीब जनता की सेवा हो सके इसी ख्याल से ऐसा करते हैं। वहीं वेंकटेश महुआर के मुताबिक अस्पताल में जो चौकीदार है उसको ट्रेंड किया गया, वो ऐसी दवाइयां नहीं देता जिससे कि रिएक्शन हो। इमरजेंसी में किसी को बुखार लगता है तो वो बुखार की दवा दे सकता है। वेंकटेश मुहार के मुताबिक जब देश में झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री के दवा देते हैं तो ये चौकीदार क्यों नहीं दे सकता।